बात कर लेते संविदा कर्मियों की। तो हाल में संविदा कर्मियों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही थी कि कोविड काल के समाप्त होने के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी कर दी जाएगी। ऐसे में तमाम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मैकेश्वर शरण सिंह से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वासन दिया है कि तमाम लोग अपने अपने पदों पर तैनात रहेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने इन तमाम संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया है कि ड्यूटी पर ये तमाम लोग बने रहेंगे। तो बड़ी बात सामने निकल कर ये आ रही है कि कोविड काल के बाद जानकारी सामने ये आ रही थी कि इन सभी संविदा कर्मियों की छुट्टी कर दी जाएगी, जिसके बाद परेशान इन तमाम संविदा कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर इन्हें आश्वासन दिया है कि कोई भी संविदा कर्मी ड्यूटी से अभी फिलहाल बाहर नहीं किया जाएगा, ये तमाम लोग अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे। मंत्री जी ने हमको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप लोग परेशान मत होइए, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा और कुछ कार्य जो होता है समय लगता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। तो जो जहाँ है, जहाँ ड्यूटी कर रहा है वहीं करेगा, आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए और आपका समायोजन